God, the type of prayers that we ought to pray. तो ये हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि हमें किस तरीके के प्रार्थनाओं को प्रार्थनाओं से प्रार्थना करना है. Our prayers are so different from God's prayers. हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के प्रार्थनाओं से कितना अलग है. Jesus, Bible says in Isaiah 55, it says, "My ways are so different from your ways." परमेश्वर यशाया 55 में कहता है कि मेरे जो मार्ग है तुम्हारे मार्गों से कितना अलग है. Same way, our prayers and our desires are so different from God's desires. उसी तरीके से हमारे जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छाओं से एकदम अलग हैं. And that's why we pray according to what we wish. और कई बार हम उसी रीति से प्रार्थना करते हैं जैसे हमारी इच्छाएं हैं. And Jesus, the disciples were praying like that, and they told Jesus, "Lord, teach us how to pray." और प्रभु यीशु के जो चेले थे वो खुद भी इसी तरीके से प्रार्थना करते थे. इसलिए फिर उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा कि आप हमें सिखाओ कि हमें कैसे प्रार्थना करना है. We pray for all our troubles and problems. हम लोग ज्यादातर हमारे जो मुश्किलें हैं परेशानियां हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं. But Jesus lifted them up and said, "Father, first lift your eyes to God and say, 'Father, thank you, Lord, that your name is holy.'" तो लेकिन प्रभु यीशु ने उनको सिखाया कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाओ और धन्यवाद दो कि परमेश्वर तेरा जो नाम है वो पवित्र ठहरे. Speak for eternal things. और हमेशा जो अनंत काल की चीजें हैं उसकी खोज करो. Other things will follow in time. बाकी सारे जो चीजें हैं वो उनके समय में आ जाएंगे. We first ask for earthly things and then last we may ask some eternal things. हम लोग सबसे शुरुआत में हम लोग अनंत काल की चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंत में फिर ये संसारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं. Unbelievers never ask for eternal things. जो अविश्वासी है वो लोग कभी भी अनंत काल की चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते. The vast majority of believers ask only for earthly things and very little of spiritual things. और ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग भी सांसारिक चीजों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं और अंत में थोड़े विश्वासी है जो अनंत काल की चीजों के लिए भी प्रार्थना करते हैं. Because of that, the spiritual lives of most believers in every church is very low. Born again believers. और इसके वजह से ज्यादातर जो विश्वासी है ज्यादातर कलीसियाओं में जो नए जन्म में विश्वासी है उनका भी जो आत्मिक जीवन है बहुत ही निचले स्तर पे है. Rather than asking, "Lord, let your name be glorified and let your will be done in my life," they all ask, "Lord, please solve my problems." क्योंकि इसके बजाय कि लोग ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा है मेरे नाम मेरे जीवन में पूरा हो, तेरा जो नाम है वो पवित्र ठहरे, वो लोग सिर्फ ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका तो हल निकाल. The Apostle Paul echoed the same thing and he said, "Lord, first thing is God." और प्रेरित पौलुस भी यही चीज के ऊपर ध्यान कर रहा था और वो बोलता है कि सबसे पहले परमेश्वर होने चाहिए. In the beginning, that's the Bible says, the first word in the beginning, God. बाइबल का जो पहला वचन है वो कहता है कि आरंभ में परमेश्वर. Your life, my thoughts should first go to God. मेरा जो सोच है सबसे पहले परमेश्वर की ओर जाना चाहिए. Thank you, Lord, for all this precious day. धन्यवाद परमेश्वर ये कीमती दिन के लिए. Thank you, Lord, that your name will be glorified in my life. धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे जो नाम है मेरे जीवन से उसको महिमा मिले. We have to learn to pray like that. इस तरीके से हमें प्रार्थना करना सीखना है. Stop praying the old prayers. पुराने जो प्रार्थनाएं हैं उनको बंद करो. All the prayers that we learned in the past. जो हमने पहले बीते दिनों में सीखा है. Forget about those prayers. वो सारे प्रार्थनाओं को तुम भूल जाओ. Pray, learn from the example of Jesus. प्रभु यीशु के उदाहरण से तुम सीखो. The Lord says to pray for eternal things. परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अनंत काल की चीजों के लिए प्रार्थना करो. And then when you pray for eternal things, then we can see. फिर जब तुम अनंत काल की चीजों के लिए प्रार्थना करोगे तब तुम देख पाओगे. Then we'll become eternally rich. और फिर हम लोग आत्मिक रीति से अमीर हो जाएंगे. In the world there are rich people and poor people. इस दुनिया में अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं. In the church also there are rich people and poor people. कलीसिया में भी अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं. Who are the rich people in the church? कलीसिया में अमीर लोग कौन हैं? They those who have the character of God. वो लोग जिनके पास परमेश्वर का चरित्र है. The poor people have got very little character of God. जो गरीब लोग हैं कलीसिया में उनके पास परमेश्वर का चरित्र कम है. For that we require the grace of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है. Those who seek after God will find him. वो लोग जो परमेश्वर के पीछे जाते हैं वो उसको पाएंगे. They will get revelation from his ways. उनको परमेश्वर की ओर से प्रकाशित ज्ञान मिलेगा. We know in the Bible about the Hebrews chapter 11, the heroes of faith. हम लोग हिब्रानी चैप्टर 11 में देखते हैं कि कैसे विश्वास के जो नायक थे. We heard about Abraham and Isaac and Moses and David, all these people. इब्राहिम इशाक दाऊद मूसा इन सब के बारे में हमने सुना है. How did they become heroes? वो लोग सभी नायक कैसे बने? Because they sought of God with all their heart. क्योंकि वो लोग अपने पूरे मन से परमेश्वर के खोजे. They will be great in the kingdom of God. और इसलिए वो लोग परमेश्वर के राज्य में महान ठहरेंगे. Like the apostle Paul we heard. जैसे प्रेरित पौलुस के बारे में हमने सुना. Stephen have we heard? स्टीफन के बारे में सुना. Stephen saw Jesus God and Jesus standing at the right hand of God the Father. स्टीफन जो था उसने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के दाहिने हाथ प्रभु यीशु को खड़े हुए देखा. Jesus was so impressed with him. पर प्रभु यीशु उससे इतने खुश थे इतने प्रसन्न हुए थे. What Jesus did when he when the what did Stephen see? तो स्टीफन ने क्या देखा उस समय?
Jesus was standing at the right hand of God. प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ के उधर खड़े थे. Normally Jesus sitting at the right hand of God. हमेशा हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं. Stephen was about to finish, he was about to die. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टीफन जो था वो मरने वाला था. People about to kill him. लोग उसको मारने वाले थे. And God gave him a vision and Jesus was standing. और उस समय फिर परमेश्वर ने उसको एक दृष्टांत दिया और उसने देखा कि प्रभु यीशु खड़े हैं. Jesus was standing, giving a standing ovation for Stephen. तो प्रभु यीशु खड़े होके उसको स्वागत कर रहे थे. That is a tremendous honor. तो ये एक बहुत ही बड़ा आदर की बात है. What a wonderful honor it is when somebody, when a cricket batsman finishes 200 runs and the whole stadium will stand. तो बहुत ही सम्मान की बात होती है. जैसे उदाहरण के तौर पे कोई खिलाड़ी 100 रन मारता है, 200 रन मारता है, शतक मारता है, तो सभी लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं. But at the end of the inning you make only one run or no run, then nobody will stand. लेकिन अगर वही खिलाड़ी अगर एक दिन एक भी अंक नहीं बनाएगा, एक रन या दो रन पे आउट हो जाएगा, तो कोई उसके लिए ताली नहीं बजाएगा. They will feel sorry for you. इसके बजाय लोग तुम्हारे लिए, उनको तुम्हारे लिए बुरा लगेगा. We have got this life that God has given us to live. हमारे पास एक जीवन है जो परमेश्वर ने दिया है, हम लोग जिए. When God says, when we come back to, we have to go back to heaven and go back to meet the Lord. और परमेश्वर कहता है कि एक दिन हमें वापस स्वर्ग में जाना है, जहाँ पे हम लोग परमेश्वर को मिलेंगे. And we must hear the Lord saying, "Well done, the good and faithful servant." और उस समय फिर परमेश्वर कहेगा कि अच्छा किया मेरे विश्वसनीय सेवक. Rather than the Lord saying, "Oh my, it is so sad. After so many years, you have not come." Very little spiritual progress. ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर बोले कि अरे तुम कैसे तो आ गए, इतना साल दिया मैंने तुम्हें जीने के लिए, लेकिन तुमने आत्मिक रीति से कितना कम प्रगति किया है. After you came to the Lord, you sought after earthly things and fought after earthly things and grumbled and murmured all your life. परमेश्वर में आने के बाद भी तुमने संसार की चीजों की खोज की और संसार की चीजों के ऊपर झगड़ा, यही सब किया. You wasted your life. अपने जीवन का तुमने व्यर्थ कर दिया. Instead of being a blessing, you are a curse. इसके बजाय कि तुम एक आशीष का सूत्र बनो, तुम एक श्राप का सूत्र बन गए. You have just made it to heaven. तुम बस कैसे ना कैसे तुम स्वर्ग में बस पहुंचे हो. And some people don't even make to heaven. और कितने सारे लोग हैं जो स्वर्ग में भी पहुंचेंगे भी नहीं. God has to enlighten our eyes, brothers and sisters. तो परमेश्वर को ही हमारे जो आंखें हैं उसको खोलना है, भाई और बहनों. Ephesians chapter 1 verse 16. इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, अब पवित्र लोगों पर प्रकट है. See, when we first come to the Lord, we believe in Jesus Christ, that Jesus Christ has saved us. जब हम लोग शुरुआत में प्रभु यीशु में आते हैं, तो हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया है. Then the Holy Spirit comes to our life. फिर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, and we have love for all the saints. और हर एक जो विश्वासी है, उसके मन में हमारे लिए प्रेम आ जाता है. That's how we know that you are a born again Christian. उससे तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुमने नया जन्म पाया है. You have loved God and you love your fellow brothers and sisters. तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और अपने भाई और बहनों से प्रेम करते हो. And so because of that, I do not cease to give thanks for you. इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर तुम लोग में प्रभु यीशु पर सब तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता. I always give thanks that God has made you, taken you out of this wicked, wide world, and you have got love in your hearts for God and love in your hearts for your people, for God's people. प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हें इस दुष्ट दुनिया से बचाकर तुम्हारे मन में परमेश्वर की ओर और दूसरे लोगों की ओर प्रेम डाला है. And then I make mention of you in my prayers. और मैं फिर अपने प्रार्थनाओं में तुम्हारे बारे में बोलता हूँ. Once we come to the Lord, we have to make progress in the Lord. एक बार हम लोग प्रभु में आते हैं, उसके बाद प्रभु में हमें प्रगति करना है. We have to love God and love our brothers and sisters. परमेश्वर से प्रेम करना है और हमारे भाई और बहनों से प्रेम करना है. Love God and love our brothers and sisters more and more. और फिर हमें उसी जीवन में बढ़ते जाना है और प्रेम करते जाना है परमेश्वर से और भाई और बहनों से. We have to not remain in first standard. हमें पहली कक्षा में ही नहीं रहना है. If we remain in first standard, we are likely to go down. अगर हम लोग पहली कक्षा में ही रहेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग और निचले स्थान में चले जाएं. Most believers remain in a very low level. बहुत सारे जो विश्वासी हैं, बहुत ही निचले स्तर में जीते हैं. And later on, they stop loving their brothers and sisters. और फिर थोड़े समय बाद अपने भाई और बहनों से प्रेम करना भी छोड़ देते हैं. And they stop loving God. और फिर परमेश्वर से भी प्रेम करना छोड़ देते हैं. They start loving earthly things. और फिर लोग संसारी चीजों से प्रेम करने लगते हैं. When we start loving earthly things and the things of this world, we stop loving God. जब हम लोग संसार और इस दुनिया की चीजों से प्रेम करने लगते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन से चला जाता है. Result is that we start hating our brothers and sisters. और उसका परिणाम ये होता है कि हम लोग अपने भाई और बहनों से नफरत करने लगते हैं. And verse 17 says that God will give you an enlightened, open the eyes of your understanding. और वाक्य 17 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे. He'll give us a revelation of God. वो हमें परमेश्वर के बारे में एक प्रकाशित ज्ञान देंगे. The most important thing is revelation. सबसे जरूरी बात है प्रकाशित ज्ञान. Not knowledge. सिर्फ ज्ञान नहीं. How do we get knowledge? सिर्फ ज्ञान कहां से मिलता है?
How do we get knowledge? ज्ञान कहाँ से मिलता है? We go to school. हम लोग स्कूल में आते हैं. We go to Bible school. Bible school में जाते हैं. We may go to the internet. हो सकता है कि तुम इंटरनेट पे जाओ. Listen to a lot of tapes. बहुत सारे मैसेजेस सुनो. We get lot of knowledge about lot of things. और उससे बहुत सारी चीजों के बारे में तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है. We know where this can be found. हमें पता है कि हाँ ये चीज मैं कहाँ पे जान सकता हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ. We can by heart the whole Bible. पूरा बाइबल को भी हम लोग रट्टा मार सकते हैं. We can very very clever. और बहुत ही होशियार बन सकते हैं. Who's the person who knows the most the Bible the best? इस सृष्टि में सबसे ज्यादा बाइबल से कौन वाकिफ है? The devil. शैतान. The devil knows the Bible very well. शैतान बाइबल को अच्छे तरीके से जानता है. Everything he knows is very very clever. हर एक चीज से वो वाकिफ है, बहुत ही होशियार है. So we think that we have got a lot of knowledge, we are becoming more like the devil. तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास बहुत ही ज्ञान हमने प्राप्त किया है, लेकिन ये नहीं पता कि हम लोग और शैतान जैसे बन गए हैं. The devil does not get any revelation. लेकिन शैतान जो है उसको प्रकाश ज्ञान नहीं मिलता. Because the person becomes so full of knowledge, then the Bible says knowledge puffs up. और जैसे बाइबल में लिखा है कि क्योंकि एक व्यक्ति के पास ज्ञान बढ़ जाता है, और जैसे बाइबल में लिखा है कि ज्ञान जो है एक व्यक्ति को घमंडी बना देता है. All knowledge makes us very proud. तो जितना भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं सिर्फ सिर में, उससे हम लोग घमंडी बन सकते हैं. Because we think that we are proud because we think we know more than the others. और हम लोग क्योंकि हम लोग घमंडी बन गए हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को फिर बाकियों से ज्यादा पता है. You know better than the others. हम लोग को बाकियों से बेहतर पता है. Then we despise others. और फिर हम लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं. Then we get then hatred love goes out and hatred comes into our heart. और फिर मन से प्रेम चला जाता है और नफरत आ जाता है. But the revelation of God comes into our life. लेकिन जब परमेश्वर की ओर से प्रकाशित ज्ञान जीवन में आता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो उस समय हमें एक आत्मिक समझ आती है. And we love God, हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, love our fellow man. और हमारे इर्द गिर्द के लोगों से प्रेम करते हैं. That is very important for us to get the revelation of the word of God. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग को परमेश्वर के शब्दों से उनसे प्रकाशित ज्ञान मिले. And how do we get revelation? और ये प्रकाशित ज्ञान हमें कैसे मिलता है? How do we get revelation? कैसे मिलता है प्रकाशित ज्ञान? We've all got revelation. हम सभी को मिला है. What is the first revelation that we should get? सबसे शुरुआती प्रकाशित ज्ञान क्या था जो हमें मिला था? First time God tells you you're a sinner, you're going to go to hell. सबसे पहले जब हम लोग को परमेश्वर ने बताया था, एहसास दिलाया था कि तुम एक पापी हो और तुम नरक में जाओगे. You are going to be punished for all your sins, and you're surely if you die today, you'll go to hell. तुम्हारे सारे पापों के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, और अगर तुम आज मरोगे तो जरूर तुम नरक में जाओगे. God gave me this revelation. I used to stand there when I was young, go to college. From Jain College to Balada, I used to go. I said, Lord, if you have to judge me today, if I have to fall down on the train, I will surely go to hell. और जब मैं युवक था, कॉलेज जाता था जेहिन से मलाड, तो उस समय मैं ट्रेन में जब सफर करता था, मैं सोचता था कि अगर इस ट्रेन से मैं गिर गया और अगर मैं मर गया तो मैं जरूर नरक में जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे पापों से वाकिफ है. The people in my church would not tell me that I was going to go to hell. कलेशिया में जो मेरे लोग थे वो कभी मुझे बोलते नहीं थे कि तुम नरक में जाओगे. But deep inside my life, I knew there was sin in my life. लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मेरे जीवन में पाप है. The Holy Spirit was pointing at that point. पवित्र आत्मा वो चीज को मुझे दिखा रहा था. No, I was reading the Bible, I was going to Sunday school, I was a good boy, good in studies, everything. But God said, I'm not looking at all that, I'm looking at your heart. Bible पढ़ रहा था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, Sunday school जाता था, बाहरी रीति से बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन परमेश्वर कहता था कि नहीं, मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूँ. And then what shall we do after that? तो फिर हमें क्या करना है उसके बाद? We shall cry, Lord, what shall I do in this situation? तो हमें क्या बोलना है कि परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? And the Bible says, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. और जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम्हें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है और तुम उद्धार पाओगे. He will cleanse you from sin if you believe and trust him. जब तुम उसके ऊपर विश्वास करके भरोसा करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे पापों से साफ कर देगा. The thief on the cross just cried out to God, said, Lord, remember me when you come. क्रूस पे जो चोर था उसने एक बार पुकारा परमेश्वर की ओर कि प्रभु जब तू मेरे और जब तू वापस आएगा तो मुझे याद करना. Jesus said, today you'll be with me in heaven, paradise. उस समय फिर प्रभु ने उसको कहा कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, जन्नत में रहोगे. The other thief also was there. दूसरा भी चोर था. He never said anything like that. लेकिन उसने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं. He went straight to hell. और वो सीधा नरक में गया. One simple acknowledgement of your fault will give you revelation. एक बार अगर तुम अपनी गलती को मान लोगे तो तुम्हें तुरंत प्रकाशित ज्ञान मिल जाएगा. Just humble yourself. बस खुद को तुम नम्र करो. You will get revelation from God. और तुम्हें परमेश्वर की ओर से प्रकाशित ज्ञान मिलेगा. जब तुम खुद को नम्र करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे समझ की आंखों को खोल देगा. We heard about Elisha and the servant. हमने Elisha के बारे में सुना था और उसके नौकर के बारे में सुना था. Elisha was a humble man, dependent on God. Elisha एक नम्र व्यक्ति था जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था. His servant was a God-fearing man. उसका जो सेवक था वो एक परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था. But he was not very humble. लेकिन वो इतना नम्र नहीं था. That's why he never saw God's power. और इसलिए उसने कभी परमेश्वर की महिमा या शक्ति नहीं देखी थी. Then Elisha had to tell, Lord, please open the eyes of the servant. फिर एक बार Elisha को बोलना पड़ा कि परमेश्वर ये नौकर जो है उसके आंखों को तू खोल दे.
फिर उसने देखा कि भले उसके दुश्मन की जो सेना थी काफी बड़ी थी, लेकिन परमेश्वर की सेना और भी बड़ी थी और इर्द गिर्द थी. Our God is bigger than the devil. हमारा जो परमेश्वर है वो शैतान से भी बड़ा है. God is bigger than our problems. परमेश्वर हमारे तकलीफों से बड़ा है. God is all authority and power of every situation. परमेश्वर के पास हर एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण और अधिकार है. That's why we have to have revelation of God. और इसलिए हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान होना जरूरी है. See God in our life, He has got great power. जब भी हम लोग परमेश्वर को हमारे जीवन में देखेंगे तो समझेंगे कि उसके पास कितनी शक्ति है. And when we see that, get the revelation, our lives will be changed. और जब ये प्रकाशित ज्ञान हमें प्राप्त होगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा. The disciples were so scared and so troubled when before the day of Pentecost. चेले जो थे एकदम डरपोक थे, एकदम परेशान थे पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले. They were praying quietly in the closed room inside. वो लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे एक बंद दरवाजे के अंदर. But once they received the Holy Spirit, लेकिन एक बार उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. They saw the glory of God. परमेश्वर का महिमा देखा. Their lives were changed. उनका जीवन बदल गया. They said, and they began to harass them and question them. They said, "Whom shall we listen to? Shall we listen to God, or shall we listen to you?" फिर जब फरीसिया उनको परेशान करने लगे, प्रश्न पूछने लगे, तो उस समय उन्होंने बोला कि हम किसकी आज्ञा माने, तुम्हारी, व्यक्तियों की, या परमेश्वर की? Sometimes when we are so discouraged in our life, feel like giving up. कभी-कभी हम लोग इतने निराश होते हैं जीवन में, मन करता है कि हम लोग छोड़ दें, पीछे हट जाएं. There are so many problems in our life. कितने सारी परेशानियां, मुश्किलें हैं जीवन में. Problems in the office, problems at the home, problems at the church. Everywhere there are problems around. हर जगह पे समस्या है, घर में, दफ्तर में, कलेशिया में. Then we say, Lord, I feel like giving up. उस समय फिर मन करता है कि बोल दे कि परमेश्वर, मैं पीछा हट जाना चाहता हूँ, पीछे हट जाना चाहता हूँ. Holy Spirit tells us, don't give up. फिर पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं, पीछे मत हटो. Look unto me. मेरी ओर देखो. When you look unto Jesus, then we get the vision. जब तुम प्रभु यीशु की ओर देखोगे तो उस समय तुम्हारा दृष्टिदान साफ हो जाएगा. We ask God for forgiveness. जो हमारे हम लोग परमेश्वर से माफी मांगेंगे. When we are discouraged, always look to God. जब भी हम लोग निराश होते हैं तो हमेशा परमेश्वर की ओर देखो. They say, they that wait upon the Lord shall renew their strength. जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो लोग का जो ताकत है वो ताजा हो जाएगा. They shall mount up with wings like eagles. और वो लोग उगाड़े के समान उड़ेंगे. They say, God is on our side. क्योंकि वो लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारे पक्ष में है. We are going to win. इसलिए हम लोग जीतेंगे. Doesn't matter about earthly life, we have got an eternal life. संसारिक जीवन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास स्वर्गीय जीवन है. And that gives us a lot of encouragement. और उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है. There were two disciples on the way after Jesus died. They went. They were so discouraged. प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद दो जो चेले थे वो लोग इमाउस के रास्ते पे चल रहे थे. We know the story. They were so discouraged. They're walking back to the village of Emmaus, about 7 miles. हम लोग सभी वो कहानी से वाकिफ है जहाँ पे वो दोनों चेले बहुत ही निराश थे और इमाउस के जो गांव है जो तकरीबन 7 मील दूर था वहाँ पे चल के जा रहे थे. You know the wonderful thing of about Jesus, when we are discouraged, Jesus comes to talk with us. तो ये होती बढ़िया चीज है प्रभु यीशु के बारे में कि जब कभी भी हम लोग निराश रहते हैं प्रभु यीशु हमारे बगल में आ जाता है हमसे बातें करने के लिए. Then when he spoke and spoke, then they said towards the end, they said, and then they suddenly got a revelation. और वो लोग उस समय बात करते जा रहे थे फिर अंत में उनको एक प्रकाशित ज्ञान हुआ. When God speaks to us, our hearts are burning inside. जब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हमारा जो दिल है अंदर ही अंदर जलता है. What does it mean to hearts burn inside? तो अंदर ही अंदर दिल जलने का मतलब क्या है? That enthusiasm for God has come back. परमेश्वर की ओर एक उत्साह जो है वो वापस आ गया है. All the discouragement goes away. जो निराशपन है वो दूर हो गया है. We are encouraged. और हम लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं. Opposite of encouraging is discouraged. प्रोत्साहित का जो विरोध है वो है निराश होना. Surely I can live the rest of my life for the Lord. हाँ, जरूर मैं अपना बेहतरीन जीवन परमेश्वर के लिए जी सकता हूँ. Come what may, I will live for Jesus. भले कुछ भी हो जाए मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा. And they got so much encouraged, they went back in the night. Back to Jerusalem. और वो इतने प्रोत्साहित हो गए कि उसी रात वो लोग वापस यरूशलेम चल के आ गए. The secret of our life is that God will give us revelation in our own life. तो हमारे मसीह जीवन का रहस्य ये है कि परमेश्वर हमें प्रकाशित ज्ञान देता है. Every day that God has to give us a revelation. हर रोज परमेश्वर को हमें ये प्रकाशित ज्ञान देना है. Every day we look unto God, God will show us. हर रोज जैसे हम लोग परमेश्वर की ओर देखते जाएंगे वो हमें दिखाते जाएगा. When we read the word of God, God will say, ask God, Lord, please open your eyes, Holy Spirit, please teach me. And God will show me verses and phrases in the Bible and it'll speak to me. और जब मैं परमेश्वर के वचने पढ़ूंगा और बोलूंगा कि परमेश्वर तू मुझे दिखा, तो पवित्र आत्मा मेरी आंखें खोलेगा और उसके वचनों के जरिए मुझसे बातें करेगा, मुझे प्रोत्साहन देगा. Then we'll get the true knowledge of God. और फिर परमेश्वर की जो सच्ची ज्ञान है वो मुझे मिलेगी. Then light will come out where there's darkness. और जहां पे अंधकार था वहां पे ज्योति आ जाएगा. We see in 2 Corinthians chapter 4. दूसरे कुरिन्थियों चैप्टर 4 में जाएंगे. दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4. Verse 6.
वाक्य छे दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर चार वाक्य छे So for God who has said, light shall shine out of darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। The light has shone into our dark hearts and shown us the glory of God. तो ये जो ज्योति है ये हमारे अंधकार भरे हृदय में चमका है और परमेश्वर की महिमा को उसने दर्शाया है। When Jesus Christ comes to our life, light comes to our life. जब भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो ज्योति हमारे जीवन में आ जाता है। We heard that in the that God has come taken us from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. हमने सुना है कि कैसे प्रभु यीशु ने हमें शैतान के राज्य से निकालकर उसके पुत्र के राज्य में लाए हैं। Acts chapter 26 from the dominion of the devil to the dominion of God. जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि शैतान के गुलामी से नीचे हम लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं। What does it mean the dominion of devil the control of the devil? तो शैतान के गुलामी या शैतान के राज्य का मतलब क्या कि शैतान के नियंत्रण में रहना। We used to all the dark things and bad things because we are under the control of the evil one. सारे बुरे और अंधकार भरे चीजें हम लोग करते थे क्योंकि उस समय हम लोग शैतान के नियंत्रण के नीचे थे। Now we are under the control of God. अभी हम लोग परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। Control of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं। And we yield our lives to the Holy Spirit. और इसलिए हम लोग और करके अपने जीवन को परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की ओर सौंपते हैं। This is the prayer of the Apostle Paul. और यही है प्रार्थना प्रेरित पौलुस का। That we should really have know the these three things in our own life. First, the hope of our calling. कि ये तीन चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे बुलावा का आशा। We should pray this for ourselves. ये हमें प्रार्थना करना है खुद की ओर। First thing I should know what is the hope of my calling. कि सबसे पहले मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे बुलावट की जो आशा है वो क्या है। After I am born again, many people are very saved. They are satisfied. Lord, become a child of God and they are saved and satisfied. बहुत सारे लोग हैं एक बार उन्हें नया जन्म पाया उद्धार पा लिया वो लोग उसी में संतुष्ट हैं। We have to go a long way, brothers and sisters. नहीं हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है भाई और बहनों। We have to go a long way with the Lord. We have to develop so much. प्रभु के साथ बहुत ही लंबे सफर पे जाना है, बहुत ज़्यादा प्रगति करना है। We have to become more like Jesus. और प्रभु यीशु जैसे बनना है। And what is the hope of our calling? और हमारे बुलावे का आशा क्या है? The purpose of our calling is that we should become like Jesus. हमारे बुलावे का उद्देश्य ये है कि हम लोग प्रभु यीशु जैसे बने। They should be conformed to the image of His Son. Romans 8:28. जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाना है। We should be conformed to become like Jesus. हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाना है। That they should see Jesus as He is. ताकि लोग जो है वो लोग हम में प्रभु यीशु को देखे। 1 John chapter 3. पहला योहन्ना चैप्टर 3 Verse 2 and 3. वाक्य दो और तीन पहला योहन्ना चैप्टर तीन उसमें वाक्य दो और तीन Beloved, now we are the children of God and has not yet appeared as what we shall be. But we know that when He appears, we shall be like Him because we shall see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही दिखेंगे जैसा वह है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है Hope is always something for the future. आशा जो है हमेशा एक भविष्य की चीज है Christ in me the glorious hope. तो प्रभु यीशु मेरे अंदर एक महिमाहित आशा And when I see Jesus, I will be transformed and become like Him. और जैसे जैसे मैं प्रभु यीशु को देखते जाता हूँ मैं उसके स्वरूप में परिवर्तित होते जाता हूँ. If I have hope, then I will keep on purifying myself. और अगर ये आशा मेरे अंदर है तो मुझे खुद को पवित्र करते जाना है That is why it's very important for you and me to have a hope in our life. इसलिए बहुत ही जरूरी है तुम्हारे और मेरे लिए कि हमारे जीवन में ये आशा रहे. When you lose hope, then you become sick and discouraged. जब ये आशा हम लोग खो बैठते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं. You don't feel like reading the Bible. फिर बाइबल पढ़ना मन नहीं करता. You don't come for fellowship. मीटिंग में आना मन नहीं करता. You feel like sleeping. मन करता है कि सोते रहे घर में. You feel like wasting your time. या कुछ फालतू का समय व्यर्थ करे. But when you have hope, you become very disciplined. लेकिन जब ये आशा होती है तो उस समय हम लोग बहुत ही अनुशासन भी लाते हैं जीवन में. Doesn't matter you have to go through all the difficulties and trials. फर्क नहीं पड़ता कितना भी तकलीफ उठाने पड़े. Doesn't matter who comes, whatever problem comes in your life. फर्क नहीं पड़ता कोई भी समस्या आए जीवन में. And my hope is not set on earthly things. क्योंकि मेरी जो आशा है वो दुनिया की चीजों पे नहीं है. Most people set their hope on earthly things. ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी आशा को दुनिया की चीजों के ऊपर टिकाते हैं. The two disciples of Emmaus. They were going and they were discussing among themselves. We were hoping that something good would come after Jesus would come in this world. तो जो दो चेले थे जो प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद चल के जा रहे थे इमाउस के गांव की ओर वो लोग आपस में ये बात करते जा रहे थे कि हमने सोचा था प्रभु यीशु आने के बाद चीजें थोड़ी और बेहतर होंगी. We see that verse in John chapter 20. योहन्ना चैप्टर 20 में जाएंगे.
think it's Luke. Yeah. Huh? It's not in John. Sorry, it is in Luke. Sorry. Luke chapter 24. Luca 24. Verse 17. Vakya 17. Jesus asked them, "What are these words that you are exchanging with one another as you are walking?" And they stood still, looking very sad. लूका 24 उसमें 17. उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए. These two disciples are walking and Jesus came and joined the group and said, "What are you talking among yourselves?" ये दो चेले चलते चलते बात कर रहे थे और प्रभु यीशु भी आके शामिल हो गए और पूछने लगे कि तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो? They're busy talking about that. तुम आपस में क्या चीज बात कर रहे हो? Both of them stood still like both of us. Look very sad. और दोनों फिर उस समय खड़े हो गए उधर के उधर और फिर बहुत ही उदास दिखने लगे. Sir, you don't know anything. The news, latest news. You are the only one who knows that what has happened in the Jerusalem last 3 days. तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे यरूशलेम में क्या क्या हुआ है? शायद से तुम एक ही व्यक्ति होगे जिसको पता नहीं है कि अभी क्या हाल ही में क्या क्या हुआ है. Jesus pretended that he did not know. और उस समय प्रभु यीशु ने नाटक किया कि वो नहीं जानते कि क्या हुआ है. What things? और फिर प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ बताओ. Then he said there was you know, mighty Jesus was there. He was so doing so many miracles, the sight of God, and all these evil people crucified him and they betrayed him and did all bad things the priest did to him. फिर एक चेले ने बोला कि प्रभु यीशु करके एक बंद व्यक्ति थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे चंगाई किए, चमत्कार के काम किए, और फिर काफी जो लोग थे उन्होंने उनको धोखा दिया, उनको गलत दोषी ठहरा के उन्हें मार दिया. Verse 21 I wanted to see. और वाक्य 21 में देखेंगे अभी. And we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा. See, they thought that Jesus would come and save Israel from the Roman oppression. तो जो यहूदी थे वो लोग ये सोच रहे थे कि जो मसीह रहेगा वो आके उनको रोम का जो राज्य है उससे इज़राइल को छुड़ाएगा. Israel was not a free nation. यहूदियों का जो देश था वो एक स्वतंत्र देश नहीं था. We thought Jesus was doing, he was the most wonderful person they've heard in history, and we were hoping that he would do something for our country. और लोग बोलने लगे कि हम तो सोच रहे थे प्रभु यीशु जो इतिहास में शायद से सबसे बेहतरीन व्यक्ति है वो शायद से इज़राइल के छुटकारे के लिए कुछ करेंगे. But he died. लेकिन वो तो मारे गए. All our hope is gone. और हमारी सारा जो आशा है वो भी चली गई. Now we have no hope at all. We are going back to our village. अभी हमारे पास कोई आशा नहीं बची है, हम लोग वापस अपने गाँव जा रहे हैं. This is a situation when Jesus spoke to them. और ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु आके उनसे बात करते हैं. Why did they hope go? क्यों उनकी जो आशा थी वो चली गई थी? Because they are setting their minds on earthly things. क्योंकि वो लोग अपना जो सोच विचार है, जो उनकी आशा है, वो संसारी चीजों के ऊपर उन्होंने टिकाया था. Jesus spoke to them again and again about the kingdom of God, but their mind was still on earthly things. प्रभु यीशु ने उनसे बार बार लगातार परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया था, लेकिन उनका जो दिमाग था वो संसारी चीजों के ऊपर ही था. Even when Jesus rose up from the grave and he was about to go to heaven, the disciples asked, when will your kingdom come on this earth? और इसके बाद जब उनका पुनरुत्थान हुआ और फिर चेले उनसे फिर से मिले और जब वो जाने वाले थे वापस स्वर्ग में, उसके पहले भी चेले उनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि आपका जो राज्य है इस दुनिया में कभी स्थापित होगा. But Jesus tells, this is not the way to think about like this. और उस समय फिर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि ये सब चीजों के बारे में तुम्हें अभी नहीं सोचना है. But when the Holy Spirit has come upon you, Acts chapter 1, wait, you will see the power of the Holy Spirit, you will understand everything very clearly. और प्रेरितों के काम chapter 1 में लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जब भी पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें समझ देगा और तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा. The disciples had a interest for God, but they also had a great interest for the things of this world. तो प्रभु के जो चेले थे उनको प्रभु की ओर तो दिलचस्पी थी, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की ओर भी काफी दिलचस्पी थी. The Holy Spirit has come to take away the interest for the things of this world and to give us interest for things of God. लेकिन पवित्र आत्मा आया है कि ये जो संसारी चीजों की ओर जो दिलचस्पी है उसको निकाल कर सारी दिलचस्पी परमेश्वर की ओर लेकर जाने के लिए. All of us have a great interest for earthly things. हम सभी के अंदर संसारी चीजों की ओर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होती है. Me, myself, my job, my family, my health, my this, my that, everything, my ministry, everything. मैं खुद, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा सेवक का, यही सब चीज. The Holy Spirit will lift our vision to eternal things. लेकिन पवित्र आत्मा जो है हमारी दृष्टि को ऊंचा उठाता है स्वर्ग की चीजों की ओर. In Romans chapter 8, Romans chapter 8,
रोमियो चैप्टर 8 वर्स 5 वाक्य 5 फॉर दोज हु अकॉर्डिंग टू द फ्लैश सेट देयर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द फ्लैश बट दोज हु अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट थिंग्स ऑफ द स्पिरिट क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं The word says, where are you setting your mind? तो यहाँ पे लिखा है कि तुम अपने ध्यान को किस चीज़ के ऊपर लगा रहे हो? You know, when you people work with computers, they set the computer a certain program. तो जब भी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो लोग एक कंप्यूटर को एक सेटिंग पे लगाते हैं उनके अनुसार. And according to the setting, the things function well. और वो जो सेटिंग के अनुसार वो कंप्यूटर फिर काम करता है. All the programs work well. सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके अनुसार काम करते हैं. If we set our minds on earthly things, then we'll think and behave like earthly people. अगर हम भी अपने दिमाग को संसारी चीजों के ऊपर सेट करेंगे, तो हमारा जो जीवन है, सोचने का तरीका है, उसी तरीके से चलेगा. Verse 6 says, for the mind set on the flesh is death. और वाक्य 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है. For the mind set on the spirit is life and peace. परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. We have come in this world to get life and peace. हम लोग इस दुनिया में आए हैं ताकि हम लोग शांति और आनंद पाएं. Jesus said to seek the kingdom of God first, God will give us everything that is required for us to live in this world. प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो बाकी सारी तुम्हारी जो जरूरतें हैं, उसको वो खुद ही दे देगा तुम्हें. And because the mind that is set on the flesh is hostile towards God. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है. When you think of the earthly things, then what happens? We have no interest for God at all. जब तुम संसारी चीजों की खोज करते हो, तो क्या होता है? परमेश्वर की चीजों के लिए जो दिलचस्पी है, वो कम हो जाता है. We hate godly people. हम लोग फिर धार्मिक जो लोग हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं. We have no interest for godly people. और जो धार्मिक लोग हैं, उनकी और कोई दिलचस्पी नहीं होता. In 1 John it says, if you love the world, the love of the Father is not in you. पहले योहन्ना में लिखा है कि अगर तुम दुनिया से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर या पिता परमेश्वर का प्रेम तुम्हें नहीं है. If I got no interest, very, very interest for earth, heavenly things, for reading the Bible, for going for meetings, then it's because I love the world. अगर मैं देखता हूँ कि मेरे मन में बाइबल पढ़ना या मीटिंग में आने के लिए या परमेश्वर की ओर दिलचस्पी कम है, इच्छा कम है, इसका मतलब यह है कि दुनिया की ओर मेरे मन में प्रेम बहुत ज्यादा है. Some people say I'm getting bored. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पक रहा है. The life of backslider is always boring. तो जो पीछे हटने वाले जो ईसाई होते हैं, उनका जो जीवन है हमेशा पका हुई होता है. The life of a godly man is always exciting. लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति का जो जीवन होता है, हमेशा उत्साह से भरा होता है. God always feeds him with the word of God. क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसको उसके वचनों से खिलाता है. And he feeds others also. और वो उसके जरिए दूसरों को भी खिलाता है. He encourages others. और वो दूसरों को प्रोत्साहन देता है. Because he's filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा है. And that is why it is important for us to love God with all of our heart. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर से हमारे पूरे हृदय से प्रेम करें. And do not set our minds on things of the earth. और दुनिया के चीजों के ऊपर अपने ध्यान को नहीं लगाना है. We have to do so many essential things. हमें बहुत सारे जरूरी चीजें करना पड़ता है. But if we keep on doing all these essential things, all these things, and hardly give time to God, then we will not love, be able to love God. लेकिन अगर हम लोग यही सब चीजों करते रहेंगे और परमेश्वर की ओर समय नहीं देंगे, तो परमेश्वर की ओर फिर प्रेम भी नहीं कर पाएंगे. I heard a brother called Derek Prince. मैंने एक भाई के बारे में सुना था, डेरेक प्रिंस करके. He said, see, long time back he decided not to read the newspaper. बहुत साल पहले उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो अभी से अखबार नहीं पढ़ेंगे. He said, once in a week I'll take a summary of all that is there. उन्होंने बोला कि हफ्ते में एक बार जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में मैं जान लूंगा. Most of the things written there are not at all important for us for our day-to-day life. क्योंकि अखबार में ज्यादातर जो चीजें लिखी थी, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई महत्व नहीं रखती. Somebody said, you know, when you read the newspaper, try and read it standing. किसने कहा कि जब तुम अखबार पढ़ते हो, तो तुम कोशिश करो तुम खड़े रहके पढ़ो. So much time also now newspaper is not so important, all on WhatsApp. There are so many information that comes to our mind. आजकल अखबार तो लोग नहीं पढ़ते क्योंकि WhatsApp आ गया है. क्यों? कितना सब information जो है हाथों में मौजूद रहता है. So much time goes on so all earthly things. और कितना जो हमारा समय है, यही सब संसारी चीजों में जाता है. It will not be sinful things, sometimes not of earthly things. हो सकता है कि वो पाप की चीजें ना हो, लेकिन संसारी चीजें हो. और फिर पवित्र आत्मा कहता है कि अब तुम ये चीजों को कम करो. Edit it. इसको हटा दो. And concentrate on better things. और बेहतर चीजों के ऊपर ध्यान करो, मनन करो. Then we find in our lives our spiritual life, our mind being set on the spirit, and we hear the voice of the Holy Spirit. और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मन है, वो पवित्र आत्मा की ओर हो जाएगा और हमारा जीवन बेहतर होते जाता है. Then our hope towards God becomes better and better, and we want to become more like Jesus. और परमेश्वर की ओर हमारी जो आशा है, और बेहतर होती जाती है, और हम बोलते हैं कि हमें और प्रभु यीशु जैसे बनते जाना है.
then we realize what a wonderful thing calling God has given us. और फिर हम लोग को ये अनुभव होगा, एहसास होगा कि परमेश्वर ने कितना बढ़िया बुलावा हमें दिया है. We are people of eternity. हम लोग हैं अनंत काल के लोग. We are pilgrims in this world. We are not living for the things of this world. इस दुनिया में हम लोग बस मुसाफिर हैं, दुनिया के चीजों के लिए हम लोग नहीं जी रहे हैं. I've got a home in glory land. We sing that song. I've got heaven at my home. हम लोग ये गीत गाते हैं कि महिमा की जो स्थान है वहाँ पे मेरा घर है, स्वर्ग में मेरा घर है. This world is not my home. I'm just a pilgrim. I'm just a passing through. इस ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूँ, बस इस यहाँ से गुजर रहा हूँ. And we are living going to live like that. And you? We are going to live like that. और हम लोग उसी रीति से सच में जिएंगे भी. We are not going to get conformed to the things of this world. हम लोग इस दुनिया के जो चीजें हैं तौर तरीके उस हिसाब से नहीं जिएंगे. To all the fashions of this world. दुनिया के जो फैशन है तौर तरीके उस हिसाब से नहीं जिएंगे. To all the riches of this world. दुनिया के जो धन संपत्ति है उनके पीछे नहीं दौड़ेंगे. Lord, these things are not impressing me. Lord, what is impressing me is about the kingdom of God, about God. ये सब चीजों से मैं खुश नहीं होना चाहता हूँ प्रभु, मैं खुश होना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य की चीजों से. And God and His church. और उससे और उसके कलीसिया से. These are the things that are important to me. ये सारी जो चीजें हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण है. That is why God wants to open the eyes of our understanding. We'll see the wonderful hope. और इसलिए परमेश्वर हमारे समझ की आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम लोग ये बेहतरीन जो आशा है हमारे लिए उसको देख सके. And then it says next is in Ephesians chapter 2 is the greatest of the inheritance of his inheritance in the saints. और Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 chapter 1 वाक्य 18. Ephesians chapter 1 उसमें वाक्य 18. And what are the riches of the glory of his inheritance in the saints? और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? Now if you don't read it carefully you will not understand what it means. इसको तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम समझोगे नहीं कि क्या यहाँ पे लिखा है. We think that God has got great inheritance. हम लोग सोचते हैं ये पढ़ के कि परमेश्वर के पास बहुत ही बड़ा विरासत है. You see what is his inheritance? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि वो विरासत क्या है. His inheritance in the saints. उसका विरासत उसके संतों में, लोगों में. See, God is rich because of us. परमेश्वर धनवान है क्यों? हमारे वजह से. God wants to be rich because of his children. परमेश्वर चाहता है कि वो धनवान कहलाए उसके बच्चों की बदौलत. Children who have become more like Jesus. ऐसे बच्चे जो और उसके पुत्र समान प्रभु यीशु समान बन गए हैं. When we become born again, we become rich. जब भी हम लोग नया जन्म पाते हैं तो हम लोग खुद अमीर हो जाते हैं. We are extremely valuable. हम लोग बहुत ही ज्यादा कीमती बन जाते हैं. And as we grow in the grace of God. और जैसे हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं. Our value keeps on increasing. हमारा जो मूल्य है और बढ़ते जाता है. Our value keeps on multiplying. हमारा जो मूल्य है और बढ़ते जाता है. The most valuable people are the people who are very humble. सबसे मूल्यवान लोग वो है जो सबसे ज्यादा नम्र है. People like the Apostle Paul, प्रेरित पॉलस जैसे व्यक्ति, स्टीफन जैसे व्यक्ति. Value increased 100 times, 1000 times. उनका जो मूल्य है वो 100 गुना, 1000 गुना बढ़ गया था. God says our value should increase. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा भी जो मूल्य है उसको बढ़ना है. We are the most valuable people in this earth according to God. इस दुनिया में हम लोग सबसे मूल्यवान लोग हैं परमेश्वर की नजरों में. God sees us, these are my riches. और परमेश्वर कहता है हमें देख के कि यही मेरा धन संपत्ति है. In spite of all our weaknesses, हमारे सारे निर्बलताओं के बजाय, in spite of our poor education, हमारे सारे कम पढ़ाई लिखाई के बजाय, in spite of our bad looks, हम लोग इतने सुंदर नहीं उसके बजाय, God sees us as very, very precious and very, very important because we are His inheritance. लेकिन परमेश्वर कहता है हम लोग देख के बोलता है कि ये बहुत ही मेरे लिए कीमती है, ये ही मेरी विरासत है. Sometimes you think that people are not very important. कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो लोग हैं वो लोग इतने जरूरी नहीं हैं. In our hospital, sometimes we have got this family planning drive. हम लोग के अस्पताल में भी अभी ये फैमिली प्लानिंग का काम चल रहा है. And when the lot of people come, who have lot of children. बहुत लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं. As if I'm UP and Bihar. खासकर यूपी बिहार से. They are 8 children, 9 children, 10 children. उनके पास 8, 9, 10 बच्चे रहते हैं. And they're very poor. और लोग बहुत गरीब भी रहते हैं. Then we tell them, please cut short. Why do you want so many children? Have 2 or 3. Like in the cities. फिर हमें उनको बोलना पड़ता है कि जैसे शहर में है वैसे तुम भी थोड़ा बच्चों कम करो, 2 या 3 ही के लिए जाओ, ज्यादा मत बच्चे पैदा करो. तो क्या तुम जानते हो लोग क्या उत्तर देते हैं? ये गरीबों का दौलत है. तो वो लोग बोलते हैं कि हम गरीबों की दौलत यही है. This is the riches of the poor people. जो गरीब लोग हैं उनकी दौलत उनके बच्चे होते हैं. And this is we are the riches of God. उसी तरीके से हम लोग भी परमेश्वर की दौलत हैं. When God looks at this earth, what are the great riches? जब परमेश्वर इस पृथ्वी की ओर देखता है तो उसके लिए उसकी दौलत क्या है? Is the Taj Mahal, the Tower of Eiffel, or all these wonderful things of this world? तो क्या ताजमहल है या दूसरे अद्भुत इमारतें हैं? नहीं. Or Antilla? या एंटीला है? नहीं. Or any other the big building? या कोई बड़ी इमारत है? नहीं. No, God sees the riches as His own children. परमेश्वर के नजरों में उसका जो दौलत है उसके बच्चे हैं.
And God tells you must become more and more rich. और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें और धनवान बनना है. I want to become more and more rich in peace and love and joy. मैं चाहता हूँ कि तुम और शांति, आनंद और प्रेम में अमीर बनो. I want you to be rich in character of God. मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के चरित्र में और अमीर बनो. Not rich in knowledge, but rich in character. सिर्फ ज्ञान में अमीर नहीं, लेकिन चरित्र में अमीर. God can bless you tremendously with this Holy Spirit. तभी परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आशीष कर सकता है. God said, "These are my wonderful people." और फिर परमेश्वर कहता है कि ये मेरे सबसे बेहतरीन लोग हैं. God doesn't have too many people like that. परमेश्वर के पास ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं. When God looked at the world when the time of Job, Job told about Job. What a wonderful man. जोब के आयुब के समय में जब परमेश्वर ने दुनिया की ओर देखा, आयुब की ओर देखा और बोला कि क्या बेहतरीन व्यक्ति है. Such a man doesn't exist in the world. ऐसा व्यक्ति पूरे दुनिया में और किधर भी नहीं है. When God looks at you in your office place, he says, "This is my child. This is the richest person in this company." जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे दफ्तर में देखता है तो बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, ये सबसे अमीर व्यक्ति है इस जगह पे. He is a heavenly person. ये एक स्वर्गीय व्यक्ति है यहाँ पे. All the other persons have gone going on the way to hell. बाकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं सभी नरक की ओर जा रहे हैं. They may have a lot of money and a lot of houses and all that, but they are on the way to hell. उनके पास बहुत पैसा और घर रहेंगे, लेकिन सब नरक की ओर जा रहे हैं. But this is my child. लेकिन यहाँ पे ये मेरा बच्चा है. You know, I'm going to have sent so many angels to protect him. इसलिए मैं बहुत सारे जो स्वर्गदूत है भेजूंगा उसके रक्षक रक्षण के लिए. His wife, his family, his everything. सिर्फ उसी के लिए नहीं, उसके पत्नी, उसके परिवार, सारी चीजों के लिए. Heavenly Father is there to take care of us. तो स्वर्गीय पिता है हमारा ध्यान रखने के लिए. The more we grow closer to God, the more God helps us. जितना हम लोग परमेश्वर के निकट जाते हैं उतना ही परमेश्वर की ओर से मदद पाते हैं. You know, Elisha was there. He saw all the armies around him. जब Elisha था पुराने करार में, उसने देखा सारे दुश्मन की जो सेना थे उसके आजू बाजू थी. So many army of angels around him. फिर उसने देखा कि परमेश्वर की जो सेना है उसके इर्द गिर्द थी. You cannot believe. तो वो विश्वास नहीं कर पाया उस समय. So many see, around your house, around your home, God has kept angels to take. उसी तरीके से तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द, तुम्हारे जीवन के इर्द गिर्द परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं. That is why he takes so very good care of us. इसलिए वो तुम्हारा ख्याल इतने बेहतर तरीके से करता है. In the world also, people who are very important, they are taking lot of care. उसी तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं कि दुनिया में भी जो एकदम खास महत्वपूर्ण लोग रहते हैं उनका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा जाता है. VIPs are got Z security. जो भी VIP रहते हैं उनके पास Z security रहता है. The government protects them. क्योंकि जो government है, सरकार है, उनका सुरक्षा करता है. Because they are very precious. क्योंकि वो बहुत ही कीमती है. And you, we are all precious in the eyes of God. उसी तरीके से हम लोग परमेश्वर की नजरों में कीमती हैं. God calls a royal priesthood and holy nation. परमेश्वर हमें एक royal याजक बुलाता है and And holy nation. और एक पवित्र देश बुलाता है. Says that you may show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. ताकि हम लोग उसकी स्तुति और महिमा दिखला पाए जिसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है. We may say, Lord, I don't feel like that. I'm backslidden. I've fallen into sin, Lord. But God says, I'm there to help you. Don't worry. I'm there to help you to the last moment. लेकिन हो सकता है हम लोग कहे कि परमेश्वर मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, मैं तो पीछे हट गया हूँ, पाप में गिर गया हूँ. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आशा मत छोड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ अंत के दिन तक तुम्हारी मदद के लिए. I've called you a king. मैंने तुम्हें एक राजा बुलाया है. God has given us many titles. परमेश्वर ने हमें कई सारे नाम दिए हैं. God has given one of the titles he has given us called you a saint. उसमें से एक नाम है संत. संत. You're all saints if you're giving your life to the Lord. हम सभी संत हैं अगर हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है. I'm Saint George. मैं संत अविनाश हूँ. And you can always put your name as I am a saint. और तुम भी अपने नाम के पहले संत डाल सकते हो. What are the names God has given us? दूसरे से क्या नाम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है? Brother. भाई. I'm brother of whom? किसका भाई? Brother Jesus. Brother of God. प्रभु यीशु का, परमेश्वर का भाई. That is a wonderful name. ये बहुत ही बेहतर नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है. Call each other, you know, uncle, auntie, and all this in the church. That is why we never call people uncle and auntie in the church. हम लोग कई बार एक दूसरे को कलेशिया में बुजुर्गों को अंकल आंटी बुलाते हैं, इस तरीके से हमें नहीं बुलाना चाहिए. Well, there is no uncles and aunties in the church. क्योंकि कलेशिया में असल में यहाँ पे कोई अंकल आंटी नहीं है. This comes to the world. क्योंकि ये दुनिया से आया है. God has given us this good thing is brother and sister. तो परमेश्वर ने बहुत ही बेहतर नाम दिया है भाई या बहन बुलाने के लिए. We have told that so many times in church, but still we have got this habit in this world to call people uncle and auntie. कई बार हम लोग कलेशिया में बोलते हैं, लेकिन फिर भी आदत हमें है पहले से कि हम लोग कलेशिया में लोगों को अंकल या आंटी बुलाते हैं. Once I remember brother Zach told that please don't call me uncle. मुझे याद है एक बार brother Zach ने कहा था कि तुम मुझे अंकल मत बोलना. Not to me, but many other brothers. मुझे नहीं, कोई और दूसरे भाइयों को. So they started calling brother Zach. तो फिर उनको brother Zach करके बुलाने लगे. People used to call him uncle or pastor, but said brother Zach. तो वो कई लोग उनको अंकल बुलाते थे, कुछ लोग उनको पास्टर बुलाते थे. तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रदर जैक बुलाओ. आनी, आंटी आनी. लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को वो आंटी आनी बुलाते थे. ब्रदर जैक, आंटी आनी.
तो ब्रदर जैक और आंटी एनी. व्हाट इज रिलेशन नाउ ब्रदर? ही इज माय ब्रदर एंड शी इज वाइफ इज द आंटी. यू नो इट्स अ लिटिल ट्रेंशन दैट वी हैव. ये तो बहुत ही अजीब रिश्ता फिर हमने बना दिया कि एक तरफ मैं एक को भाई बोल रहा हूं, उनकी पत्नी को आंटी बोल रहा हूं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो फिर हमें इसीलिए ब्रदर और भाई और बहन करके बुलाना सीखना है. If you are born again, you must call that brother, brother. अगर वो व्यक्ति ने नया जन्म पाया है तो उसको तुम भाई करके बुलाओ. And if you are not born again, of course you can call people auntie and uncle. अगर तुम या वो नया जन्म तुमने नहीं पाया है फिर तुम अंकल आंटी करके बुला सकते हो. Another thing is we have called as kings. और दूसरे जगह पे परमेश्वर हमें राजा करके बुलाता है. Jesus Christ, we are kings and priests to our God. हम लोग राजा और याजक है परमेश्वर की ओर. That's why we must always think, Lord, I'm a king. उसी तरीके से हमें हमेशा सोचना है कि मैं एक राजा हूँ. And Jesus is the king of kings. और प्रभु यीशु जो है वो राजाओं का राजा है. Once I'm born again, God has made me a king. एक बार मैं नया जन्म मैंने पाया है उसके बाद मैं एक राजा बन गया हूँ. I have authority over the devil. मेरे पास शैतान के ऊपर अधिकार है. Authority over sin. पाप के ऊपर अधिकार है. Thank you, Lord, that I'm a king. और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे एक राजा बनाया है. And Jesus Christ, the king of kings. और प्रभु यीशु फिर राजाओं का राजा है. That's why we are all very precious in the eyes of God. और इसलिए हम लोग फिर परमेश्वर के नजरों में बहुत ही कीमती हैं. Lord of kings and queens. और बहुत सारे राजाएं और रानियां हैं. Once a king, always a king. एक बार राजा तो हमेशा के लिए राजा. Don't think because you have fallen into sin, you're not rather king. ये मत सोचो कि अगर तुम पाप में गिर गए तो फिर तुम राजा अभी नहीं ठहरे. Failed in a battle, get up. You're still say I'm a king. अगर तुम एक युद्ध में हार गए हो तो वापस उठो और बोलो कि मैं अभी भी राजा हूँ. I'm not going to go under the devil again. मैं वापस शैतान के पास नहीं जाऊँगा. Once he was my king, but now Jesus is my king. I am also, he made me a king. एक समय वो मेरा राजा था, शैतान मेरा राजा था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मेरे राजा हैं. What a wonderful thing, God has taken us out of the darkness and made me a king. क्या बेहतरीन चीज है कि प्रभु यीशु ने मुझे अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाकर एक राजा बनाया है. He gives me such a hope in this world. और इस दुनिया में इतना बेहतरीन आशा दिया है. Lord, thou can live for you, Lord. हाँ परमेश्वर, अब मैं तेरे लिए जी सकता हूँ परमेश्वर. That's why we have to have a revelation on what the hope that we have and who we are in Christ. इसलिए हमारे पास ये प्रकाशित ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं प्रभु यीशु में. The devil keeps on accusing us, saying that you are nobody, but say, no, I am a somebody. शैतान हमेशा तुम्हें दोषी ठहराता रहेगा कि तुम कोई भी नहीं हो, लेकिन हमें बोलना है कि नहीं, मैं हूँ कुछ प्रभु में. I'm a special person, God's eyes, I'm a king. परमेश्वर की नजरों में मैं एक राजा हूँ, एक खास व्यक्ति हूँ. I'm a child of the eternal God. मैं अनंत काल का परमेश्वर जो है उसका संतान हूँ. God is going to take care of my life. और परमेश्वर मेरे जीवन का ख्याल रखेगा. Last thing is the greatest of His power that is at work in our own lives. और अंत के चीज अंत में हम लोग देखते हैं उसकी शक्ति का महानता जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है. 19, what is the surpassing greatness of His power towards us who believe? एफिसियो चैप्टर 1 वाक्य 19, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. If I believe God has put tremendous power in my life. अगर मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा कार्य सामर्थ्य का कार्य कर सकता है. Only believe Jesus said. सिर्फ विश्वास करना है जैसे प्रभु यीशु ने बोला. What should I believe? और मुझे क्या विश्वास करना है? God can work all his plan and purpose in my life. कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में उसके सारे योजनाओं को पूरा कर सकता है. First thing I should believe is that God can free me from all sin, I can overcome sin. सबसे पहले मुझे ये विश्वास करना है कि प्रभु मुझे मेरे सारे पापों से छुड़ा सकता है और मुझे जय दे सकता है. I can overcome all my lustful thinking. मैं अपने सारे हवस के सोच विचार के ऊपर जय पा सकता हूँ. All my anger. सारे गुस्से के ऊपर जय पा सकता हूँ. All the jealousy. सारे ईर्ष्या के ऊपर जय पा सकता हूँ. And can fill me with the love of God. और मुझे परमेश्वर के प्रेम से वो भर सकता है. How about the Holy Spirit when the Holy Spirit comes upon my life? कैसे जब पवित्र आत्मा आता है मेरे जीवन के अंदर. And that's why I must say, I believe that God will fill me with the Holy Spirit. और फिर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे उसके पवित्र आत्मा से भर देगा. And that God will help me to do good. और फिर परमेश्वर मदद करेगा कि मैं भला करूँ. You know, when the Holy Spirit comes upon us, we'll go. We heard that verse. We'll go about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. जैसे हमने वचन पढ़ा है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आता है तो हम लोग सब जगह पे भला करते जाते हैं, सबको छुड़ाते जाते हैं जो शैतान से पीड़ित हैं. प्रेजेंट वर्स एक्स चैप्टर प्रेरितों के काम में जाएंगे. प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वर्स 38 चैप्टर 10 वाक्य 38 प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 38 यू नो जीसस ऑफ नाजरेथ हाउ गॉड अनॉइंटेड हिम विद द होली स्पिरिट एंड पावर. How he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. God anointed will anoint me with the Holy Spirit and power. I believe in him. I'll go about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. तो परमेश्वर फिर उसी रीति से मुझे भी पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा और शक्ति देगा ताकि मैं उससे विश्वास करने से मैं बाकियों की और भला करते जाऊं और उनको छुड़ाते जाऊं शैतान के तकलीफों से. And because God was with him.
और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे और क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे तो वो मेरे साथ भी है हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मैं सब चीज कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे ताकत देता है। When we are defeated by sin, जब मैं पाप से हारा होता हूँ, when there are hard problems around us, जब मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मुश्किल होते हैं, हमें उस समय कहना है कि मैं प्रभु यीशु के जरिए सब चीज कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है। I can't do anything on my own. परमेश्वर मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। Let God will be done and God, I can do everything to the grace of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ। And surely we'll see the wonderful hand of God. और जरूर फिर हम लोग परमेश्वर के बलवान हाथ को देखेंगे। We'll see how God is working in our lives. हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और ये फिर मेरी क्षमता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार है। That is the wonderful thing. और ये ही सबसे बढ़िया चीज है। So that's how we believe. तो इसी तरीके से हमें विश्वास करना है। The problem is that we cannot believe. बहुत दबाव, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग विश्वास नहीं करते। It maybe can happen for Jesus, it can happen for brother Zach and all the godly brothers. No, I wonder if it will happen for me. हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, brother Zach के साथ हुआ, प्रभु यीशु के साथ हुआ, दूसरे जो धार्मिक भाई है उनके साथ होगा, लेकिन क्या ये मेरे साथ हो सकता है? Jesus said, according to your faith, it shall be unto you. प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ होगा। Do you believe that you can do, God can do this work in your life? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि ये कार्य परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कर सकता है? Yes. हाँ. How long you wait? How long but you wait? भले कितना भी समय लगे लेकिन तुम रुको। Yes, Lord, fill me with the Holy Spirit. हाँ, परमेश्वर तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर। God will do this plan in my life. ये जो योजना है परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा। I'm a weak and nothing person, but God can do a work. मैं बहुत ही कमजोर एकदम शून्य व्यक्ति हूँ लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। God's tremendous power will work in my life. परमेश्वर की जो अद्भुत शक्ति है मेरे जीवन में कार्य करेगा। God can fulfill his plan and purpose in my life. परमेश्वर जो उसकी इच्छा है उसका योजना है मेरे जीवन में पूरा करेगा। He has got a plan not for my calamity but for my welfare. उसके पास एक योजना है मेरे हानि के लिए नहीं, मेरे उद्धार के लिए। God is not sitting here to punish you. परमेश्वर यहाँ पे बैठा नहीं है तुम्हें दंड देने के लिए, God give you hope. लेकिन हमेशा तुम्हें आशा देने के लिए। Even our children do wrong things, we discipline them, but we say no, now you are a gone case, I will not help you anymore. हमारे बच्चे भी जब गलती करते हैं, भले हम लोग उनको अनुशासन दे, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं कहते अभी तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं सकता। God is the kindest person, brothers and sisters. परमेश्वर जो है सबसे दयालु व्यक्ति है भाई और बहनों। He is the most hopeful person. वो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास सबसे आशा ज्यादा है। We can always go to God. इसलिए हमेशा तुम परमेश्वर के पास जा सकते हो। We can pray to God. आज प्रार्थना करो and we can pray for one another. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। What a wonderful gospel it is. और ये बहुत ही बेहतरीन सुसमाचार है। It takes away all our discouragement. सारा हमारा निराशपन लेकर चला जाता है। It fills life with hope. और हमारे जीवन को आशा से भर देता है and with power. और शक्ति से भर देता है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That's the thing that God changed our life by these prayers. और ये सब प्रार्थनाओं के जरिए हमारा जो जीवन है बदल सकता है। Let us learn to pray like this. तो हमें इस रीति से प्रार्थना करना सीखना है। God is on our side. परमेश्वर हमारे पक्ष में है। And then we'll see the wonderful work of God in our own life. और फिर हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन कार्य देखेंगे परमेश्वर का हमारे जीवन में। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Let us commit our lives to the Lord, all our problems, our situations, our sin to the Lord, and ask Him to help us and thank Him that God has given us a hope and that we are so precious in His eyes and He's going to do this work in our life. सारे अभी प्रार्थना करते समय सारे जो भी हमारे जीवन में पाप है या जो भी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, सारे परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और फिर धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें एक आशा का जीवन दिया है और वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Thank you, Lord. Just tell Him, thank you, Lord, that you're going to do my this work. I believe that you will do this work in my life. परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको बोलो कि मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे जीवन में अपना कार्य करोगे। I will not remain defeated by sin. मैं हमेशा पाप से हारा हुआ नहीं रहूंगा। Lord, I will not be discouraged. मैं निराश नहीं रहूंगा। Because you are there to encourage me. तू है मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। Thank you, Lord. It will be done in my life, in my family, in the church. धन्यवाद प्रभु की तेरी इच्छा होगी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में। Keep me humble, Lord. मुझे हमेशा नम्र रख परमेश्वर। Help me always depend upon you, Lord. मदद कर कि मैं हमेशा तेरे पे निर्भर रहूं। Thank you, Lord. You are so good, Lord. धन्यवाद परमेश्वर की तू इतना अच्छा है। Thank you, Lord, that you come to encourage us. धन्यवाद परमेश्वर की तू आया है हमें प्रोत्साहन देने के लिए। Thank you, Lord, you fill us with the Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर की तू हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। You fill us with the gifts of the Spirit. तू अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा। We can be a blessing in this world. ताकि हम लोग इस दुनिया में एक आशीष का स्रोत बने। Oh, we are nothing, Lord. We are so full of sin and so full of discouragement. But thank you, Lord, it is you who encourage us. हम कुछ नहीं है प्रभु, हम लोग पाप और निराशपन से भरे हैं, लेकिन तू हमें प्रोत्साहन देता है। We want you to say, well done, that good and faithful servant. हम लोग चाहते हैं कि तू हमें अंत में देखकर बोले कि तूने बहुत ही अच्छा किया है मेरे विश्वसनीय सेवक। We want to hate our sin, Lord. हम लोग अपने पाप से नफरत करना चाहते हैं। Give us the hatred for all sin in our own life. हम लोग सारे पाप से हमारे जो जीवन में है उसे नफरत करना चाहते हैं। And love you with all of our hearts. और तुझसे पूरे मन से प्रेम करना चाहते हैं। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen.